बा हरे अकबर बीरबल बा वही अकबर जोन सैकड़ों ठकुराइन राखे रहे वही इलाहाबाद वाले बा हरे अकबर बीरबल बा हरे तोहार बिरहा हम तो है कुछ कहत नहीं है जैसे अब है बिरहा के हमारे कहा है कि कभी की लेखनी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कर बा कटिया में खरगोश कभी रवि माने सूर्य अरे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पावत बा उहात करे अंदर घुस जाते हैं कभी बा जैसे घरे में सूर्य न घुस पाए लेकिन कभी तो घुस आ जाए हैं बहुत सुंदर बिरहा रहा उकरे साथ साथ धुन तरज भी सुनबई कैला बा एक से बढ़ के एक हम तो इनके कुछो नहीं कैली हा एक बात बतौली है कि भाई पूर्वांचल के कलाकार भोजपुरी के कलाकार न कि हम बिरहा कहे हा आनहर कुकुर बतासे भूखे अपने नाचे ने आवे कहे अंगन वही टेढ़ बा तोहके के मना करत बा अरे तो हूँ कूदा तू तो देखावा था कि हमार अभी तो हम जवान है भाई 38 साल का ये अभी तो अभी तो रेख है आवत है इनके रखिया उठान बा है तब घोड़ा नहीं है कूदत है ए भैया बहुत सुंदर बिरहा रहा भगवान करे तू सब दिना जवान रह हमारा उम्र तो वहीं के लग जाए भाई का देवता हो गया हन का उन्हें कब हम मोछ नहीं आए ओ नहीं का ये बताओ हम बताया है कि मूल निवासी आदिवासी आदि माने बहुत पुराना वासी माने रहने वाला जब से ये पृथ्वी है तब से हम लोग यहाँ के मूल निवासी भारतवासी रहने वाले हैं मोछ वाले हैं देखा तो नहीं है यहाँ का करिया करिया देखा के करिया बा के गोर बा मोछा बा कथिन हमारे भारत का स्थान ही मोछवई बा जितना विदेशी है कुल मोछ मुंडा है विदेशी के देवतन के रहा मोछा नग बाबू पेटे मर गया रहे इतना फैशन में हमार भारत का लोग आए बापे के जीते बेटवा मोछ मुड़ाई के हीरो बन के घूमत बा बेटवा यहाँ 16 साल दिखावा था मोछ दाढ़ी छिलवाई का और बाबू अब है जीते हैं जाना ये हकीकत है कहा था ना आई एम यंग बाहरे दंगल चैनल इनकर आवे वाला बा ओकर जज बने वाला बनी गवा है फाइनल होएगा अब हम अपने मोहे का बताइए दंगल बी गंगा फिलान ढकान जवन चैनल कुल बा उ समझ ल के कुल कमाई महुआ चैनल तुम्हार कमाई महुआ चैनल देखा दो तीन चैनल हर चलता महुआ चैनल फोक जलसा बिग गंगा चैनल में ये सरो सरगम के आप लोग देखे होंगे और आप लोगों का वो प्यार है आप लोगों का वो आशीर्वाद है परिचय दे थे इनके सरोज का नैहर मिर्जापुर बा इलाहाबाद में ससुराल बा तो समझ लगी हमारे जेठौत लगे हैं ये हकीकत बात है कोनो फॉर्मेलिटी ना बताओ तो ये हमारे जेठौत हैं और ये इलाहाबाद ना हवा इले मंचवा उनकर दूर लगाई गया इन बात ना इस सरोज के बताओ थे कि इलाहाबाद ना ये मिर्जापुर का ठटरिया चाप तो सुकुड़ी जाब वो स्टील बॉडी वो चौकी के नीचे बिटूर जाब बिरहा बताओ था यार नहीं थे पहले खाई के शरीर बनावा कुल से दूध बेच देते प्रयागराज इलाहाबाद में बिरहा गाय के जाई है केवल ऐसे सोच जाई है अच्छा मान लो भाप तब नेनुआ का तरकारी अब न मिली मान लो पंधारी दादा न पढ़ रहे न उनका गाय के चला गए लेकिन तू खाए क्या बात है तू कम से कम पढ़ा लिखा है अब से भी तो छोड़ देता उगाऊब चला मिर्जापुर में दिखाई कसम बताओ थे अजुए नेनुआ खाई के हवा है नेनुआ बरो मास हो गवा बसरवा कहे नहीं मिलत बा रामाधारव दादा गाय दे ना अब न मिली भैया अब न मिली देसी घी का सोहारी अरे यार दद्दा हरे पढ़ा लिखा नहीं रहे अंगठा छाप रहे जो उन्हें समझ में आवे वही गाय दे तो कम से कम अब पढ़ा लिखा है
देसी घी का सोहारी काहे न मिली जे शौखीन बा गाय भैंस जियाए बा खाते बा अब न मिली भैया अब न मिली नौकरिया सरकारी अब न मिली काहे न मिली पढ़बा लिखबा तब मिली के लवंडिया बाजी करबा तो का ठेंग मिली नौकरी। कम से कम पढ़ा लिखा आप से भी नया एक जनरेशन दा बढ़िया मतलब जनरल नॉलेज द लोगन के कम से कम सुधरे के अब बहु का पढ़ा लिखा नहीं बहन जा सब पढ़ा लिखा बा कहा के नौकरिया मिला कहत कहत कुल चला जात बा तो उन्हें पर तोहर बुद्धि यही नहीं खुलता है कैसे हम समझाई तो है ट्यूशन ले धन्य हो विधाता तुझे कुछ नहीं आता जो भी आता वो भी भूल जाता कौन कभी लिख दे सब बुजरी बुजरी गावत है बुजरी तो अपने मेहरारू के आदमी गरी आवत है हम तोहार मेहरारू है कि तोहार भये है। अरे यार क्या कवि की लेखनी है पता नहीं कौन कवि लिख दिया है लेकिन हम लिखत है एक अनपढ़ जाहिल गवार मरद मिल गवा बहाय उ पढ़ा लिखा नहीं रहा अंगठा छाप रहा पड़वा नियर भैसा नियर चिल्लाए केवल के बेसर के गावे बजावे जाए मोहफार के सोई जाए मेहरारू बिचारी रोज गरियावे को हो एक बिरहा गावत है ऐसे कैसे रोजी रोजगार चली चला हो नरेगा लगावा प्रधान जी लगाई दिए है काम करे चला कामो करे न जाए मेहरारू नरेगा में जाए बा बिचारी काम कह के आवत बा उल्टा मारत बा है काहे बदे मारत बा मेहरारू कहत बा का कहे न देखा त्रिभुवन जी ध्यान से सुना हमार अलग ही पहचान है अब है कहन है के खड़ी हुई है तो गुस्सा के सरोज कही के ददई बाबा हरण का गावत है कहब इसलिए के बिरहा हमार तोहार खेती है ददा बाबा हरे लगाए के चला गए तो नहीं के हमने काटत दामत बिछावत है तो हमार तोहार एक फर्ज बनत है कि सब दिना ददई के खेत दस बिस्सा काटत है एकाक दुई बिस्सा अपने कमाई से अलगे से रजिस्टरी कराए ल हे देख सरोज एक बैनामा कराए बा हाई पांच बिस्सा हाँ खारिज दाखिल हो गया यह गीत के लाइन बा लेकिन यहाँ का भाषा सुना ये छत्तीसगढ़ का भाषा बेदरा माने भतरा पढ़ा लिखा नहीं है ना यहाँ का भाषा सुना बनरा अरे बाप रे बाप बाहरे अकबर बाहरे बीरबल बुजरी
कौन भाषा हो बुजरी बिरहा बिरहा बिराह हुई गवा बा। अब है 21 तारीख का सपना सजाए हैं। अरे यार देख कहन के कितना जने सुधर जाबा, इनके सुधारे से हम सुधरेंगे तब जमाना सुधरेगा। अरे यार तू सबे ऐसा ऐसा गवैया आया कि सरोजवा सुधारे यार, तू सबे ऑपरेशन करे लगवा कहीं झूठा ही कहत बा अपन बिरहवा जमावे के चक्कर में। तोरो हिम्मत हो जैसे आज तू तुलसी का गावत है तो हम वाल्मीकि रामायण गावत है, सच्ची रामायण ललई राम यादव का गावत है। अरे यार गावे के हिम्मत हो चाहे, हमें डर नहीं बा है कि हमार प्रोग्राम न मिले। भैया हर जंगले में बाई पेट पर्दा चला जाए वही सबसे महान है, आप लोगों का सम्मान मिल जाए वही सबसे बड़ा दौलत है। कहें है कि हमें बुलाए ली है पैसा मत दी है। मास्टर साहब हमें तो चाहे देख, हमें चाहे हम बहुत गरीब कलाकार है उनके एक रुपया सवेरे अगर दी है सूरज भैया तो देख लिया का करी थे तुहार मुह फुकन हो मुह फुकन हो छौकल छौकल कहाँ से लियाई अबला मेहरारू ऐसन है बिचारी हरे नरेगा में करी है काम करी है कटाई करी है अपने बच्चा बदे दुल्हा पी के दारू आवत बा है 12 बजे 1 बजे रात रोज मारता बाते। अरे उठ 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 अरे उठ ले आ चिखना दे सखना रे सखना। मेहरारू कहता का दे हो दाल भात तो बनाए है कर रहा लाल भर बना मुह फुकन हो चौकल चौकल सात नदिया परवासी ए त्रिभुवन हमारे और गवैयन में देखा फरक इस सब गाए बा। सात नदिया परवासी मोरे भैया अइले रे नाना दी मोरे भैया अइले रे नाना दी। दूसरे हिसाब से ढोलक वाले बजाए हैं लेकिन हमारे प्रचंड कवि प्रेम जी का हाथ इसमें देखिए। सात नदिया परवा से मोरे भैया अइले रे नाना दी मोरे भैया अइले रे नाना दी मोरे भैया मेरा भैया अइले रे ना
लेकिन देखा एक लाइन में एकर ओरिजिनल बता के बिरा आप लोगन के सुनाओ थे ओरिजिनल एकर माटी का गीत है एकदम देसी बा खाटी देसी तू है ये हो तो का विदेशी समझ में आओ थे का रच का कलर बदल के बाबा बस हाँ पहाड़े खबर ए भैया इतने ना सावन के महीना में कोनो भाई गवा अपने बहन के विदाई करावे बदे मेहमान के बहरे खटिया निकल गल बा जैसे बीचे में मास्टर साहब बैठा है बगले जेठौत हैं ससुर हैं भसुर हैं गांव घर के लोग बायन दुल्हन अंदर से सोचत बा भैया के पानी लेके जाई कैसे जाई लाज लगता भैया हैं घूघट में जाई कि कैसे जाई लोटा में पानी कटोरिया में मीठा और घूघट में बाहर पानी लेके आवतिया ला भैया पी ला लेकिन यहाँ तो झटवा खोले बहो अच्छा तो दुल्हन तो के समझ में आवत है अरे यार गावत हो तो बन जाते अच्छा बन जाए एक मिनट बता दे दा हमारे ब्याहे वाले पिछौड़ी ये देखा हमारे ब्याहे वाले पिछौड़ी है ये हमारे ब्याहे वाले पिछौड़ी है ये अंतिम तक जाए घूघट में बा पानी ले के भैया से कहता भैया ए भैया अरे बहिन लपनिया पी ले भैया और हाल चाल बताओ ठीक बा ना हमार तो ठीक है बा तू कैसे करत हो ए भैया सुना भैया पहला पहला जब आई ले गावाना भैया ए भैया ऐसा तकलीफ बा हो कहां ढेर बड़ा डाहा हो काहे रोवत है रे तो डाहा तो सरवा का रे अरे भैया बड़ी विपत बा भैया अरे हम जान के डाहा लगा सरवा पहला पहला का बहिन ए भैया अरे डहा तो सरवा हम जान गे चल खिचड़ी लेके आए समझा देव कर बहिन चलो भैया चल चल जैसे इतना दिन तो रखे रहे फिर रखब का करो चल ऊंचे ऊंचे माले भैया जाना नहीं हमार ब्याह कह दिया चल चल जिस इतना दिन तो रखे रहे फिर रखम का कर भैया हो अरे हम तो बढ़िया करा सरवा हरामी निकल गल रे सल्दी का है पकड़े बारे मछली सरवा नहीं खियो का रे
फोन करत बा कहत बा भैया बड़ा तू लगे दूध बेचत है या? हम कहा का करी देखत है या? सब जने दूध बेचत हैं लेकिन हमार ओरिजिनल वाला दूध है भाई गाजीपुर बलिया छपरा सगरो बिकत है ई छत्तीसगढ़ वाली बेचत बा ई सरो सरगम ना बेचत तो बिरहा गावत बा ए भैया दूध वाली दूध लेके बेचे चल दी है छत्तीसगढ़ से चल दी है कहता के चल अहिरिन बिचारी दूध बेचत बा है अब कैसे बेचत बा दूध ले ले दूध ले ले दूध ले 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 दूध दादा दूध दादा दूध दादा ले 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 दूध ले ले परदेसी बाबू तेरे गाँव आयो दूध ले ले दूध ले ले परदेसी बाबू तेरे गाँव आयो दूध ले ले दूध ले ले परदेसी बाबू तेरे गाँव आयो दूध ले ले मेरा दूध है बड़ा निराला इनको खाएंगे बड़े दिलवाला दूध ले ले परदेसी बाबू तेरे गाँव आया दूध ले ले ए भैया देखा इता हर गवैया ये सब बोलत बा कि कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा कैसन बाड़े प्रभु जी मोर भैया भैया ए बाबू हम बोली थे के कहता सीता अरे यार जेकरे सतवा अठवा महीना का बच्चा पेट में पलत बा ओकर दुल्हा ले जाए जंगले में छोड़वा दे बाय आज होते आसाराम भाग दैया जेल में रहते बाबा आजकल के छोड़ के देख दहेज प्रथा लग जात बा उहे हम कहत है अरे निकाह लक्ष्मण देव रे नीच बाट भाता राम कहतारी सीता हो मैया कहतारी सीता हो मैया काहे रमवा दिहल से बन में तो
मास्टर। बस छोटा सा बिरहा बहनी हरा बैठी रहू जा, देखा हाथ जोड़त है गरियाऊ मत के बिरहा सुने गए हमारे एक पैड़ा कम कटे आज। आराम से घर का कटाई बिनिया बा, घरे का काम बा है, समझ ल कि कटाई तो हमारे हो गया बा, लेकिन अभी थ्रेसिंग नहीं भई बा। हाँ वैसे ही रखा बा, भगवान जी बचई ही के न बचई हैं। आ कोरोना ओहर मार ले है, शहर भगवान और मार ले हैं, पहाड़े पर कुल धान है झुराई गवा। लेकिन कहना बा मास्टर, बोलू अपने गौवा में नहुआ लिखौला रहल प्राइमरी पाठशाला पुराना, एक दो ये तीन चार के पास कैला, अरे पचये में हो गई ले बहुत सयाना, कुछ कोई कुछ कुछ बतावे चतावे सही मोर उत्तर है माना। ए भैया जैसन आपका फरमाइश रहा और मुड़ भी जाए दूसर रहा, लेकिन इच्छा इच्छाएं अनंत होती हैं। अकबर बीरबल का कहानी रही खिस्सा, कोहो सरवा कटिया में फंसी गा खरगोश और तितील, इही से उन्हन का नाक ओक कटा रहा था शायद, इन देखे हुए ही हम मानत है कि अनुवंशिक चीज हो था, लेकिन का बेटवा बाप अनहर बा तो बेटो अनहर पैदा हो, अगर बापे गोर काट दिया जाए तो बेटवा जितना पैदा हुई उकर नात पनत छनत सतत कुल के वैसे गोर कटा रहे। बारे कवि तो हाँ। कहता चाहे बाउर सुनता चाहे सरेख दत्त, आप लोग खुद महान बाटा। ऐसे अकबर बीरबल अकबर खटिया बिनत रहन, खटिया बिनत रहन, और बीरबल कहें के जितना आनहर बाहन अपने देश में कुल का नाम तू किताब ले ला अकबर और ओके लिखे जाया कि जितना आनहर हैं अपने राज्य में। ए भैया अकबर विचारू रास्ता में खटिया बिनत बहन और रजिस्टर लेकर बैठ गए। अब अकबर खटिया बिनत हैं जे बीरबल, सॉरी बीरबल आवे जे आवे तो पूछे बीरबल से का हो बीरबल का करत है या। अकबर कहें के बीरबल कहें कि एक कहानी एक है अनहर लिख, यानी जय मिला आवे तई मिला पूछे कि का करत है या। अब जैसे त्रिभुवन से केहू आई के पूछे कि का हो त्रिभुवन तू का करत है या, तो का करत है न सूता है न कौनों के याद में खोवा है। तई अनहर रहे नी कहानी खिस्सा का बात छोड़ा, ई पोल कपोल है कहानी ओजा से बा। भोनू नाम का मास्टर साहब एक गांव में लड़का रहा, वो पैदाइश ही मोट बुद्धि रहा, पैदाइश ही मोट बुद्धि एकदम पैदाइश ही मोट बुद्धि रहा। ये आम है तो भोनुआ कहे के ए मास्टर साहब ये आम ना हवा महुआ या ये महुआ है महुआ। मास्टर साहब कहे के रे आ रही तो बड़ा बिकार बा है बा, बड़ा चूतिया लंठ बेकूफ भाई, एकरे कुछ समझ में नहीं आवता, ई आमे के महुआ बनावत बा। ए भैया सबकर माई बाप सोचहन के लड़का हमार पढ़ लिख के दिमाग हो जाए ज्ञानी हो जाए, ओ गांव में स्कूल बा पाठशाला बा, भोनुआ का नाम जाए के स्कूल में लिखाई दिहन, अब भोनुआ रोज क्लास ले वो जात बा। तो मास्टर साहब सवाल करत बटन गजल भाव लगल मास्टर, एक पर्दा बढ़ के रही। अरे अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, अगर दिल मजा आता
कवि भाव लिखे हैं, बाहर तोहार सरस्वती सरस्वती वही सरस्वती के नाम ले थे ना, ब्रह्मा का बिटिया सरस्वती, ब्रह्मा का मेहररुआ सरस्वती, ब्रह्मा के मेहररुआ सरस्वती और बिटिया सरस्वती, ने अपन बहिने बिटिया ना ही छोड़न, वही सरस्वती बा वही के वंशत आज राज करत हैं, वही ब्रह्मा। ए भैया देखें थोड़ा सा भाव पर गौर करेंगे, पत्थर इंसान इसलिए पूछता है कि उस योग्य उस काबिल कोई इंसान नहीं मिलता। गौर करेंगे, ये प्यार है, ये समाज है, कवि भाव लिखे हैं, तो वही बीड़ावाली वही सरस्वती को बात करते हैं। ईश्वर, ईश्वर कौन है? ई है जौन बोलता ई स्वर, ये स्वर है, और कौन है? ए भैया ए बाबू बढ़ जा धान काटे के बका, बैठा 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 सवेरे कटाई जाए घबरा जिन जा, अच्छा जा इमरजेंसी में जात है, फास्ट इमरजेंसी। नहीं भाई हूँ आज तो नहीं जात है, बहुत गड़बड़ा हो जात है बिरहा सुनई बालन के, एक आदमी रहा बिरहा सुनई जात रहा और पड़ोसी अगल बगल का कुल चला गए रहन, एक कई जने बचा रहे मास्टर साहब, एक कई जने बचा रहे उन कहें कि अरे यार जात है हम बिरहा सुने यार, तो कहें कि पड़ोसी एक सुनत रहा अपने मेहरारू के सिखावता जात है बिरहा सुने रे, और जाने हम आओ तो हूँ आब हूँ आब तो तुम केवाड़ी खोल दी है, कैसे हूँ आब तो जान जाए के बिरहा नाही जमा आई गैन। अच्छा बेचारा पड़ोसी सुनत रहा कही के अरे सरऊ जा तू तो बताई, वो बेचारा चला गवा और पड़ोसी बेचारा अपन दाव खोजत बा धीरे धीरे बारह एक बजा रात तो लगा हूँ आए मेरा सोचा था कहता का हो बिरहा नहीं जमा का तू चला आया है हुआ थया केवाड़ी खोल दे बिचारा गए अंदर खूब हुआन एकरे बाद चला गा चला गा, तो सवेरे जब त्रिभुवन के बिरहा खत्म होएगा पांच बजे वो बिचारा अपने घरे गा तो हो आई लग मेरा रू कहता कहो अब यही कहूँ आई के गया है फिर आई गया हूँ आता कता करे अरे कौनो औरो सरवा आई रहा का हूं आई रे, तो ऐसे भैया अगर कहे हो तो चला जाए मोर हीरा, नहीं दूसर के हूं आई दे तो हम ही के गरीय उबे के नन के बिरहा न भवा होते तो के सरवा दूसर हुआ न होते क्षमा चाहत है, तो कभी भाव लिखे हैं तो फर जाए सान बिसराता रहेगा पाता रहेगा पर जाए पर जाए इंसान बिसराता रहेगा कष्ट हर ओर से पाता रहेगा। इंसान के अपन फर्ज न भूले के चाहे का पति का फर्ज, क्या पत्नी का, क्या भाई का, क्या बेटा का, क्या गुरु का, क्या चेला का, क्या गायक का। अरे भैया कंपटीशन करत रहन हैदर अली गुरु जी के संगे और हप्पी चंचल के संगे चला गए, तो हप्पी चंचल आई गए अब बिरहा में, तो फर्ज नहीं भूलना चाहिए, जो फर्ज है उसको अदा करना चाहिए। वो प्यार होता है इस दिल में, एक बाएं तरफ छोटा सा दिल है उसमें बड़ा भारी सा बिल है, वो बिल बंद हो जाए ना तो टका टक लग जाए। ये दिल में सबकर प्यार अलग अलग बा, केकर केकर पति पत्नी का प्यार बा, साढ़ू साढ़ुवैनी का प्यार,
भाई बहिनी के प्यार, जीजा साली के प्यार, महतारी बिटिया के प्यार, ससुर पतोहुए के प्यार, भाई बहिनी के प्यार, हमार तोहार प्यार, सबकर प्यार अलग अलग बा, इनकर हमार प्यार, इनसे हमसे प्यार बा, सबसे ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत बैठाए बा, गुजहनी दाई के नाही तौल दे है के कसम बा बैठ, ये प्यार है। तो फर्ज इंसान बिसराता रहेगा, कष्ट हर ओर से पाता रहेगा, एक गुरु का क्या फर्ज है और चेला का क्या फर्ज है। मास्टर साहब सवाल करते हैं, उस कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल चल रहा है, मास्टर साहब सवाल का कैलन तर्ज बदल गेल मास्टर, जौना रोग के दवाई अरे न पैदा बताई, ए भैया ए कैसा नोरत है भाई, हाथ जोड़ थे, जा भैया जाना है दूसर की हूँ आई जाए भैया जा 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 जा, जा, जा। जौना रोग के दवाई अरे न पैदा बताई, तब बुझिया के प्यार हो गए, मास्टर साहब सवाल किए कि बच्चों अच्छा ये बताओ तुम लोग बताओ बताओ सप्ताह में कितने दिन होता है, आठ, तुम बताओ पांच, सब गदहा है ने। कौनो लड़का कथन ए गुरु जी सप्ताह में सात दिन होता है, सात दिन, सोमवार मंगल बुध बेफ शुक्र शनिचर इतवार, कई दिन भवा सात दिन। मास्टर साहब कहें साहब बस बेटा, लेकिन भनुआ मोट बुद्धि कर रहा, ओकर जब मुंड मिजाज बने तब खड़ा हो जाए, तब गरमा जाए, गरमा जाए कहे, समझ में नहीं आ रहा, ए गुरुजी खबरदार, हम बताओ थे सप्ताह में कितना दिन होता है। मास्टर साहब कहें अच्छा बताओ भनुआ, तो ही बताओ रे, हरे ए भनु भनु ए भनु बतावा, अब भनुआ बतावत बा, लड़का सात दिन बताई हाथों पर कैले भाई, लड़का सात दिन बताई हाथों पर कैले भाई, लड़का सात दिन बताई हाथों पर कैले भाई, तबले भनुआ बिठाड़ हो गयल, हफ्ता में दो दिन, मास्टर साहब कहे करे कैसे रे भुनुआ कैसे, मास्टर साहब गुस्से आए, मास्टर साहब गुस्से आए, दड़े डंडा लेके भाई, तबले भुनुआ भी ठाड़ हो गया, भुनुआ कदवा ए गुरुजी हफ्ता में दो दिन, आज और काल, आज और काल के बाद गुरुजी कौनो दिन वही नहीं आवत, वही मास्टर साहब गुस्साइन डंडा लेके भनुआ के कहे भग 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 जाओ साले, भाग कुत्ता कमीना हराम ज्यादा, कल से दिखाई मत देना है, भग भाग जाओ भाग। अरे यार इतना तेज मास्टर साहब मारे कि जैसे पहले मनुस्मृति में जैसे, उसके बाद देख लीजिए हर विद्यालय में पंडित जी टीचर रहें, और सुदरन का लड़का जब पढ़ाई जाए तो उन्हन के ऐसा मार दें कि फिर दोबारा वो नाम ही न ले। हमार दद्दा हरे कहें कि भैया एक पंडित जी रहन मार दें पाँच तक पढ़ा, एक बाद स्कूल ही नहीं गए, दूसरे के बाद छोड़ा कसम से बताओ थे ये बेचारा कितना मारे रहन मास्टर साहब के, वही दिन से स्कूल बंद, लेकिन मास्टर साहब भगाओ थे भनुआ के, लेकिन भनुआ जाता ही नहीं बसा, नहीं जात बा, तब मास्टर साहब
दूसरा सवाल कैले दूसरे दिन तजर बदल गए माँ तर्ज रहा लेकिन मास्टर साहब दूसरा सवाल कैलन सवाल है दूसरा सवाल है दूसरा सवाल है दूसरा मास्टर जी बोले मास्टर साहब बच्चों से दूसरा सवाल करते हैं कि बेटा तुम लोग ये बताओ नारियल का पेड़ सबसे अधिक कहाँ पे होता है बताओ कोई है बताने वाला बा संगम में हा? तुम बताओ तुम बताओ बेटा सब गलत है भनुगा कदवा के गुरुजी हे बताए से कालिदास कालीचरण कालीचरण बताए ना के नारियल का पेड़ केरल में होता है इस सवाल का जवाब गुरुजी गलत है मैं बताऊंगा तो मास्टर साहब बोले कि अच्छा बेटा तुम ही खड़े हो जाओ बताओ अच्छा नारियल का पेड़ सबसे अधिक कहाँ पे होता है खड़े हो जाओ हाँ। हो जाओ खड़े इधर पे फूलपुर है खड़े हो जाओ फूलपुर है भैया तुमसे पूछ रहा है तब मास्टर साहब से भुनुआ बतावत बा कहाँ नारियल का पेड़ होला नारियल का पेड़ होला बनिया दुकान में मास्टर जी बोल उठे मीठी जुबान में मास्टर जी बोले ए भैया हाँ पीछे से ले ले भुनुआ कदमा ए गुरुजी हम बताओ थे भैया ये जनरल नॉलेज की बात था तनिसा प्लीज भैया भुनुआ कदवा गुरुजी जानल नारियल का पेड़ सबसे अधिक बनिया के दुकान में होला मास्टर साहब घबरा गए करे भुनुआ इतना लंबा नारियल का पेड़ कैसे होई बनिया के दुकान में रे भुनुआ कदवा गुरुजी बनिया के दुकान में डालडा घी वाला डब्बा देखले बाटा ओपर नारियल का पेड़ छपल रहा ला कौनो पे पांच थे कौनो पे चार थे कौनो पे दो थे कौनो पे एक थे तो जहाँ ये डबुआ का फैक्ट्रिया हुई जहाँ ये पेड़वा छपत हुई वहाँ कितना नारियल का पेड़ हुई गुरुजी मास्टर साहब कहे कि ना लाइए कहीं का भाग जाओ गेट आउट भाग कल से स्कूल मत आना तुम लेकिन भुनुगा मनाई का करे जैसे वह मनावत रह ना उके हर गवा बेचारा मनाई मार दिहेन है मनावत है लेकिन ओकर दिमाग नहीं काम कर रहा मोट बुद्धि का बा वैसे ही भुनुओ रह मोट बुद्धि का जबरी मनावा ए भैया तो गौर करेंगे अब मास्टर साहब मार के निकाल दिए लेकिन माना है नहीं फिर आता है कक्षा क्लास में तो कभी डेवढ़ी भाव में लिखे अच्छा इस मनवादी
के समर्थन में ऐसे जो पढ़े लिखे हैं वो सरोसरगम का ही समर्थन कर सकते हैं, अन्यथा बिरहा के कलाकार जितने हैं केवल मोह नोचने का काम करते हैं, अपना बिरहा जमाने के लिए गाड़ी के आगे काठ रखते हैं। बिरहा जगत के वहीं सम्मान करते हैं कि सरोसरगम जो बिरहा मनवादी बिरहा गा देती है, एक लड़की हो करके इतनी हिम्मत है, जैसे बिरहा जगत के भीष्म पितामह माने गए परशुराम यादव, नंदलाल रवि जी, ऐसे ऐसे सुरेंद्र यादव जी सम्मान करते हैं कि ये कलाकार अच्छी है, बिटिया है, लेकिन ये सब ऐसे ही मनवावे वाले हैं। ऐसे पहले मनाए नहूँ झगड़ा नोचत को थदर हैं, बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप सुधरी गवा हैं, देखा कितना सीधा हो गए हैं। बात सुधर ही न तो 22 में आई ही नहीं, देखा कितना सुधरी गवा हैं। तो उस छोड़ा भिस्की में कहथिन के बाहाई हो, भिस्की में बिस्डु बसे, जेकर कहा था कि सरोज बुराई करत बा, विदेशी है ऐसे बुराई करत है कि भिस्की में बिस्डु बसे, भिस्की में बिस्डु बसे, रम में श्री राम, जिल में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलो सिया भर रामचंद्र की जय। सोर सुरा सुंदरी विदेशी ले गया है हमारे भारत में, हमें तो हैं सोचन के ने शक्तिशाली बलशाली है ना, इसे न दही है तो इन्हन के पियाए कर ले ले बोल, और वही हमारे समाज नशा में रहे तो कहे सब सवाल ले ले 50,000 बिगा रे। चल ऐसे ही लिख दे, तो कभी टेरिक भाव में लिखे भुनुआ पे आवे, मास्टर साहब स्कूल से भगा दिए हैं, तो कभी कहना है टेरिक भाव में, आए मोरे रामा भोले बाबा त्रिभुवन मिर्जापुर खींचत बाहर, रामा 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 निकालो के रोज दर्जा से, ए भाई देखा उन करताल बजायन है जैसे अपन अपन अंदाज होता, देखा कोई कैलाश न बन जाए लेकिन कैसे ऐसे बजाओ मैं ना, राम राम ऐसे, अटपट जवाब सुन के मास्टर खूब गुस्सा ले निकाले हो के रोज दर्जा से, कभी भाव लिखे हैं बेचारू मास्टर साहब लाचार, अटपट जवाब सुन के मास्टर खूब गुस्सा ले और निकाले रोके रोज दर्जा से, यही विधि करता रोज पढ़ाई, मास्टर साहब थे हैरान,
जी सही है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। सवेरे स्कूल में अब इसी तरह से भुनुआ क्लास चलत बा भैया, हर दो मिनट और बैठा रहा, चूँकि सबके पास बेटे बिटिया हैं और शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है। अरे जो पीता है वो ग्रस्ता है, इसलिए तू कर जाता है। इसलिए एक रोटी कम खाए, दारू कम पिए, घर भले मत बनवाए, लड़का के ब्याह भले मत कर, लेकिन लड़का के पढ़ाई जरूर दी है। ए बाबू गौर करेंगे, कभी आगे भाव लिखे हैं, यही विधि पढ़ाई होत बा भुनुआ का। क्लास में पता चला के काल सवेरे यार स्कूल में मास्टर साहब आई ही, तो मास्टर साहब पूछ ही सवाल का जवाब देब, कुल के पता हो गवा। धीरे 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 लड़कन के सबके पता बा, भुनुओं के पता हो गया, भुनुआ गोबड़ौरा नियर फूलत बा। के राजा काल डिप्टी साहब आई हैं, जिलेबी मिठाई रसगुल्ला लिए हैं, आओ तो खाब। अब मास्टर साहब धीरे से भुनुआ के बुलाए के कहा, ये बेटा भैया भैया पाँच मिनट दो मिनट और शांति लगाए रह, हाथ जोड़ थे। एक बाद ओहर से सुना, हाथ जोड़ थे भैया, ऐसे बड़ा हथियार हमारे पास बात घरे धर के आई है। ए भैया अब देखा है भुनुआ के मास्टर साहब कहे, ए बेटा ए भुनु ए बेटा भुनु उठो भुनु, काल तुम मत आया स्कूले, तुहार छुट्टी बा। भुनुआ कहते हैं गुरुजी हम आऊब, काल आऊ गुरुजी, बलकन कहबत परसों ना आऊ, काल आऊ जाने था, काल डिप्टी साहब आई है, छेना मिठाई रसगुल्ला लिए हैं, आऊ जरूर। ए भैया बुनुआ मानत नहीं बा, मास्टर साहब समझावत बाटन, यहाँ पुरानी वाली धुन लगाई, पुरानिये लोग कहते कि पुरान घी, पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान और चीज सब कुछ पुराने पुराने निक लागत। लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं, मोह ताकत रह यहाँ एके देखा, नदी अगम कहुआ के पिछवा रवा, चांद जब निकली कहुआ के पिछवा रवा, चांद जब निकली, छुप कैसे नदिया के पार चली आई है, नदिया में पाने रे पाने रे पाने, नदिया में पानी भरला जब होई, नैया पे होके सवार चले आई मास्टर साहब समझावत बटन, ए बेटा कलिया जब स्कूलिया भुनुआ न अइबे, कलिया जब स्कूलिया भुनुआ न अइबे, परसों जब अइबे तब बिस्किट खिलइबे, मास्टर साहब कहे भोनू काल मत आया। तुम भुनुआ मानत नहीं बा, तो मास्टर साहब कहे अच्छा भोनू हमार कसम खा कि जब तक डिप्टी साहब तुमसे कुछ ना पूछी है ना बोली है तब तक तुम्हें बोले के नहीं बा। भुनुआ कतबा तुहार कसम गुरुजी, तोहरे मेहरारू लड़का का कसम, जब तक हमसे डिप्टी साहब ना बोली है तब तक हम बोला ना। अब मास्टर साहब चलाकी का कैलन, भुनुआ का सीट सबसे पीछे एकदम कोने में लगवाई दिए,
ताकि डिप्टी साहब भनुआ के देख न पावे। ये भैया और जाना था जितना गदहा लड़का रहथिन पढ़ाई में, मास्टर साहब वो लड़का पीछे ब्रंच पर बैठी हैं कि मास्टर साहब हमें कुछ सवाल जवाब न हमसे पूछा, चुरान रही हैं पीछे। और जितना पढ़ाई में तेज तर्रा लड़का रहते न, उन्हें आगे वाले ब्रेंच पे बैठे थे। भुनुआ का सीट सबसे कोने में लग गल बा, सवेर भयल बा, भुनुआ के राती के नींद घरे नहीं आवता। भुनुआ सवेर भयल बा, तैयारी करत बा कि यार रजा अब चली स्कूले, अपने माई से कपड़ा मांगत बा कि ए माई कपड़वा दे, कपड़वा दे बाहू वाला जौन परिसवा भवा बा, जौन गगरिया में रखा। अच्छा, और भुनुआ तेल इतना चुपले बा कपारे पर जैसे के भैया जैसे अजुआ निकला हो, कहे में से कोल्हू में, कोल्हू में से। ए भैया तेल पोते बा और चढ़ा को करे डोरी झूलत बाहाय निरहुआ मान, निरहुआ नियर अपन एक हाथे डोरी पकड़े बा, एक हाथे बस्ता पकड़े बा बोरिया वाला। और भुनुआ चल दिले बा पटरी लेके, अब पेंसिल पटरी लेके चलल बा, तो कैसे चलल बा मस्ती में। गोइया गावथिन हम हाई मजनू का यार, प्यार सिखलाई वे गोरी। हम केहू के कहत नहीं है, लेकिन हम गाई था आई गईला, आई गईला, आई गईला मजनू का सार प्यार नहीं से सीखा, आई गईला मजनू का सार प्यार। इलाहाबाद वाले गवैया गाँव थे ने कवन दद्दा गाँव में, आए खाई लेबू लंगड़ा याम, दाम कहिया ले देबू। हम गाए है एक गीत तो कहते के तो है पता नहीं बा, पुरनकी सब नईकी भवा हैं। अरे यार पुरनकी सब नईकी भवा हैं, तो इनके इलाहाबाद में गाँव थे ना मुअली रे माई मुअली। हम गाए है रंगना ये भैया रंगना, तेहर का गवैया गाव थी न टंकी वाले उहाओ मुअली रे माई मुअली। एक लौकी दुई लौकी, लौकी लौकी पेट में गदेला रोई मौसी मौसी। अच्छा ये बतावा त्रिभुवन, कैसे तोहके एहसास भवा के अगवाओ पीराई मोरे पिछवाओ पीराई। तू पैदा ही नहीं कर, केवल गाय गाय कहवा जैसे चिल्ला था माई माई हमार माई। तू माई का दर्द माई का प्यार तू ना जनबा है दिल से पूछा, बाज माई बना वो से पूछा था। तब का तू सोहरगवा की माई है माई माई, ऐसे ना ही गवाता है जे एहसास करे बा वो से पूछा। मुआली जे करे पैर न फटी बेवाई उका जाने पीर पर आई। मुआली रे माई मुआली करी है दर्द त्रिभुवन तोहरे बस का बाहर बाहर, तू केवल चिल्लावा भर मुंगली रे माई का पिराई पिजो। तू थोरो जनबा, तू तक मेहरारू के कह अस्पताल ना ले जाबे ही पैदा कर। अरे यार मेहरारून का दर्द मेहरारून से पूछे, तोहरे बस के बाहर बाहर, तू केवल सोहरावा लिपस्टिक का काजर पॉलिश पर देखा मेहरारू हमार। दया पहले पीर जब आई, दया पहले पीर जब आई, दया पहले पीर जब आई, हटिया
तुहें एहसास करावे बदाय बतावा हा इलाहाबाद इलाहाबाद जपत है या तुहें पता नहीं बा कि बिंदवासनी साक्षात इलाहाबाद में आई गई है दर्शन पाई जात है धन्य तो है हो जाए चाहे माई बिंदवासनी। हाँ लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं इसलिए ये नारी ये माई ये नारी नारी ये देवी है देवी हम देवी है देवी इसलिए हम लोग देवता है देवता है तो लोग देवता है या के राक्षस है या देखा बड़े बड़े दांत बड़े बड़े मोछा देखा करिया करिया देवता ओहर बैठा है मुझ मुंडा विदेशी जौनन के बाप पेटा हाँ, मर गए ओहर देवता है नहर राक्षस ओहर सूर हर असुर सूर माने जो दारू पीता हो या सूर माने जो दारू ना पीता हो वो विदेशी हैं लेकिन कवि जी भाव पर आ जाए कवि जी भाव लिखे हैं अब मास्टर साहब एहर कवि जी भाव लिखे हैं कि भुनुआ शान से चल दे ले बाहर हो गए ले जब की बिहान शान से भुनुआ आयल शान से भुनुआ स्कूल में आयल बाहर ए भैया अब इतने ना रोज तक कब्बो स्कूल में भुनुआ समय से न जाए कहियो रेसच के बाद जाए तो कहियो छुट्टी हो लागे तब जाए कहियो प्रार्थना हो जाए तब जाए कब्बो टाइम से स्कूल भुनुआ नहीं और वह दिना वो भुनुआ तमन सवेरे ना एकदम 7 बजे स्कूल के समय पहुंच गवाबा अरे बाप रे बाप मास्टर साहब देखन प्राण निकले लगा के रे बाप भुनुआ आई गवा अब हमार नौकरिया चला जाई अटपट सरवा जवाब कुछ दे हमार नौकरी चला जाई हमार लड़का का दिला खाई बिना मर जाई है लेकिन क्या करे मास्टर साहब पानी वानी पिलाए सेवा सत्कार किए अब चल दिए मुआयना करने के लिए कौन क्लास में आगे आगे डिप्टी साहब पीछे पीछे मास्टर और मास्टराइन शिक्षा मित्र मित्राइन अब मास्टर साहब लिया के डिप्टी साहब के एक के क्लास में गए फिर डिप्टी साहब आगे चल दिए तो गए दूसरे क्लास में फिर डायरेक्ट 5वें क्लास में पहुंच गए डिप्टी साहब अरे बाप रे बाप जौने में भोनुआ बैठा बा मास्टर साहब का मोहे का पानी सुखी गवा बा है सब लड़का खड़ा हो गए डिप्टी साहब कहे साहब बस बहादुर बच्चों बैठ जाओ तुम लोग भुनुआ बैठ गवा बा एकदम कोने में बाहर बा उल्टा मोह के बैठा बा भुनुआ सोचता कि हमके मास्टर साहब नहीं देखत हैं का उ बैठा रहे नीचे फिर ब्रंचवा पर बैठी जाए फिर ऊपर करे हाथ फिर नीचे करे फिर बैठ जाए फिर खड़ा हो जाए कमाओ कमरा बहरे चला जाए पिछवारे माने न भुनुआ यानी ओकरे मूड में जवन आवे उही करे तो डिप्टी साहब सवाल करते हैं क्लास में तर्ज लगल मास्टर मोरे पिछवारा सोनार कै दुकानिया कौनो लड़की लड़कन से मुलाकात नहीं भवाबा मोबाइल पे रॉन्ग नंबर से प्यार हो गवा मोहब्बत प्यार हो गया जाना था अगर एक बेरी दुई बेरी रॉन्ग नंबर ग लड़की उठाए तो बार बार लड़का फोन करे लड़की करिया रख दही जरा कनाती रख लेकिन तब वो करे बदे आपका आशीर्वाद है आप कहाँ से बोल रही हैं ये गाड़ी नहीं है बड़ा अच्छा लगता है मुझे अच्छा अच्छा तो मिले बदे वादा हो गई परिचय बतावत बा के ऐसे उबत नहरा बा खरंजा बा बगीचा बगीचा भूख पीछे मिले नहीं हमारे घरे का पहचान का बा मोरे पिछवारा सुनार का दुकानिया लागे जितिया आवा राती आन के दो मिनट 1 मिनट 30 सेकंड भैया ए भैया अब मास्टर साहब खड़ा बाटन बिचारू कुर्सी के पीछे और कुर्सी पर डिप्टी साहब बैठे हैं अब पूछते हैं सवाल करते हैं डिप्टी साहब बच्चों से
क्या पूछे डिप्टी साहब एक छोटी सी सवालिया होती कितने दिशाए यही जहानवा में हाथ भोलुआ उठावे बैठल कोनावा डिप्टी साहब पूछते हैं बच्चों ये बताओ कितनी दिशाएं होता है कोई बता रहा है बच्चा कि गुरुजी चार दिशा कौन कौन बेटा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा होता है तब डिप्टी साहब कहते हैं शाबाश बहादुर बच्चों बैठ जाओ अब भुनुआ कोने में से उठत बा बैठत बा खड़ा हो जात बा ब्रेंचवा पे खड़ा हो जाए कि हमें डिप्टी साहब देखत नहीं है का हमसे ना बोली है हमसे ना पूछी है और ये हर तवन मास्टर साहब का कसम भी भुनुआ खाए बा कुल भूली गवा बा मास्टर साहब बिचारे तो टुकुर टुकुर ताकत थे भुनुओ सरवा कुछ बोले न ए भैया अब वह मास्टर साहब गमछा गले में डाले रहन वह गले में से गमछा निकाल के मोहेतर दाब के पथन को अरे भनुआ डिप्टी साहब देखे कहे करे क्या है मास्टर साहब देखिए वो लड़का वो कोने में का लड़का उधर वो खड़ा हो रहा है उधर जो वो लड़का कुछ बताना चाहता है उसको बोल दीजिए कि कुछ बोले अब मास्टर साहब सोचे कि सरवा तो हमार कसम खाए बा मन में गरियावत हैं सोचत हैं कि अब हमार नौकरिया ले ले ए भैया तस भोनुआ जब खड़ा भद गदवाया डिप्टी साहब सुना हम बताओ थे ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा इस सवाल का जवाब गलत है हम बताओ थे भोनुआ बताओ दबा खड़े हो जाओ बताओ दबा का भोनुआ गिनाया चार होती हैं दिशाएं चार भोनुआ बताया आगे पीछे अगल बगल भोनुआ गिनाया मास्टर साहब के लहर उठ सीनावा भोनुआ कदबा ए डिप्टी साहब चार दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब आगे पीछे अगल बगल चार दिशा अरे बाप रे बाप डिप्टी साहब घबराए गए अरे बाप रे ये बच्चा क्या बता रहा है मतलब बेटा अरे डिप्टी साहब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अरे अवाक हो गए डिप्टी साहब बिचारू घबराए का सोचन के हमारे तब तो बिजती भवा लड़ी करके सामने वही जल्दी से डिप्टी साहब कहेंगे बच्चा बेटा क्या नाम है तुम्हारा बोल रहा है लड़का भोनू मेरा नाम है बैठ जा बेटा शाबाश बहादुर हो डिप्टी साहब सोचे कि जल्दी से के बैठाई नहीं हम अहू से नहीं सवाल कह ले और बैठाई दिहन दूसरी सवाल कह दिहन का सवाल दूसरी कह ले मास्टर आल्हा के लाइन में दूसरी सवलिया डिप्टी साहब पूछ ले हले बाबू ऐसा वस्तु बाटा यही दुनिया में बेटा स्थान बदले पर नाम बदल जाऊं
डिप्टी साहब दूसरा सवाल करते हैं कि बच्चों ये बताओ इस दुनिया संसार में कौन ऐसा वस्तु है कि स्थान बदल जाने पर नाम बदल जाना चाहिए, कौनो लड़कन का ऊपर हाथ नहीं जात बा। लड़का मास्टर के ताकत बाटन टुकुर टुकुर और लड़का तो मास्टर के देखत बाटन। ये भैया लड़का सोचत बाटन कि आगे मास्टर साहब कुछ पढ़ौले नहीं बाटन तो बताई का, इतने ना कौनो लड़िकन का हाथ ऊपर नहीं उठत बा। तब सदर के भाव में धीरे धीरे बोलूंगा तब हाथवा उठाया, धीरे धीरे बोलूंगा तब हाथवा उठाया। बारह हुए बारह बोला बोलूंगा चिल्ला, बनुआ सोचत बा कि यार जा क्लास भरे में कौन के उतई नहीं बा, कौन का हाथ नहीं उठत बा, देखा देखा गदहा पूरा खच्चा। रजा हमके इतना नंबर मिले क्लास भरी में, बनुआ हाथ उठाया है कदबा ए ड्यूटी साहब हम बताओ थे सवाल का जवाब के स्थान बदले पर नाम बदल जाए के चाहे, एकर जवाब हम बताओ थे सर के बाहर है सिरवा कबार दे कबार कहल जाले, सिरवा कबार दे कबार कहल जाले, अखिया कबार या बरौनी कहाँ। बुनुआ कदबा ये डिप्टी साहब ये क्या है सर में बाल, सर में बार हवाई बरवई स्थान बदलता ना हे बीच में खाली बा, जैसे ही हारमोनिया यहाँ बजतवा एके उठाई के ले जाबा रोड पे रख दे बा, स्थान बदल जाए एकर नाम बदल जाए के चाहिए। हवाई हारमोनियम ही लेकिन एकर नाम बदले के चाहे, यहाँ बा तो हारमोनियम बा और वहाँ चला जाए तब स्थान बदल जाए तो ओकर बताऊबा हारमोनिया ही रहे लेकिन नाम बदल जाए के चाहिए। अब सर कई बार हवा बीच में खाली बा एके का कहथिन बरौनी, हवाई बरवाई लेकिन नाम बा बरौनी, और ओठवा का ऊपर का नाम बटे मुछिया, ओठवा का ऊपर का नाम बटे मुछिया, कड़िया कहत सब हे का हवाई मोछ, ई का हवाई हवाई बरवाई लेकिन एकर नाम बा बीच में खाली बा, हे का हवाई हवाई बरवाई लेकिन का कहथिने के छतिया का पेटवा का रोआ कहला, तब तक मास्टर जी बोले चिल्ला, मास्टर जी बोले चिल्ला। ए बाबू बुनुआ कदमा ए गुरु जी डिप्टी साहब इस शरीरी में देखत है का हवाई रोवा, हवाई बरवाई लेकिन एकर नाम बा रोवा। तब तक मास्टर साहब वही गमछा उमछा फेंक फाक के डिप्टी साहब के ढकेलत मकेलत दौड़ा गए भनुआ के लगे, हरे भनुआ हरे नीचे वाला नवाज ने बताए भनुआ, हमारी चल जाए नौकरिया बचाए भनुआ, मास्टर साहब सोचे भनुआ
बनुआ कदवा ये ड्यूटी साहब मानब न हम करे आगव वाला नीचे वाला बात बताओ लेकिन ओके कोट भाषा में बताओ का बता दबा भोनुआ भोनुआ कहा भोनुआ कहा रेशम पर्दा के आन में और मास्टर साहब सोचे नौकरी गई चूल्हो के हाथ जोड़ साहब के मनाए भोनुआ हमारी चल जाई नौकरी आप चाहे भोनुआ बनुआ कहा मानव ना डिप्टी साहब कुल मिला तो गदहै हैं और हम फर्स्ट डिवीजन एकदम समझ ले कि एकदम टॉप आओ नंबर हां बनुआ कहा रेशम पर्दा के आड़े में मास्टर साहब सोचे नो गई गई चूल्हो के अरे सरवा बनुआ जोर बचाई ले डिप्टी साहब की ही जोर जो साहब की हमार नौकरिया बचा ले ना हमार लड़का गदेला खाई बिना मर जाई है मास्टर साहब अपने नौकरिया बदे डरा थे यार डिप्टी साहब तो उन कहे कि शाबाश बहादुर हो बेटा बाहर भोनू बेटा भोनुआ के चलते भैया वही स्कूले का इज्जत बच गवा तो कोनो कोनो स्कूल में ऐसा ऐसा लड़का मास्टर और मास्टराइन बटन अब देखा ठंडी आई गवा बा अब मास्टराइन जो शिक्षा मित्र हैं उ लोगन के घरे समय मिले ना घरे से ऊन और सलाई लेके जाई का करही के बरामदा में फील्ड में कुर्सी ब्रंच निकल जाए मास्टर मास्टराइन बैठा रही लगही मास्टराइन पर स्वेटर बिना तरे तरे गोड़े में गोड़ सटावे अच्छा तू देखा था अब तनिक दूरी से बोलना ना सब सुन जान जाइए ना ऐसा मत कहा ए भैया तो मास्टर मास्टराइन आजकल देखा स्वेटर स्वेटर में बिचारी मास्टराइन हरे रह जाते हैं तो ये समाज के शिक्षा बहुत जरूरी है अपने बेटी बेटा की जरूर पढ़ाए शिक्षा जरूरी बा यही से बिरहा के आखिरी लाइन बा है मास्टर Yeah.